I would request all of the audience to clap for her, put a huge round of applause, and we have Dr. Rubina Saigol among us. The topic violence against women है, मैं उसपे emphasize करूँगी कि इसके बहुत सी किस्में होती हैं और उन किस्मों में नफसियाती है, जज्बाती है, जिस्मानी है, हर तरह के psychic violence, हर तरह का बेइज्जती करना, गालियाँ देना, humiliate करना, ये सब violence है. वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, दो किस्म की वायलेंस है जिसको बहुत एक रिसर्चर हैं यूएन गालतों, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वायलेंस, दूसरे को कहते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस. डायरेक्ट वायलेंस तो कोई एक इवेंट होता है, एक कोई वाकया हो गया कि किसी औरत को मारा पीटा गया घर में, या कत्ल किया गया, या ह्यूमिलिएट किया गया. इट्स एन इवेंट, एक यानी वाक्य अकरेंस. स्ट्रक्चरल वायलेंस जो होती है वो हमारे सामाजिक ढांचों में और हमारे सामाजिक निज़ाम में रची बसी हुई होती है, इस हद तक कि वो बज़ाहिर तशद्दुद नज़र नहीं आता, यूँ नहीं लगता कि तशद्दुद, लेकिन उसके जो असरात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको अपने हकूक तक रसाई नहीं मिलती. वमेन कैनॉट एक्सेस देयर राइट्स. मिसाल के तौर पर घर में अगर सबसे पहले तो शुरू होता है कि लड़की पैदा हो गई तो रोना धोना, लड़का पैदा हुआ तो ढोल ढमक्का वगैरह, उस पे के शुरू से के लोग कहते हैं मुबारक देने के बजाय कहते हैं अल्लाह किस्मत अच्छी करे वगैरह, तो उसी से शुरू हो जाती है वायलेंस. फिर उसके बाद वो ये होता है कि अगर जहाँ पर रिसोर्सेस कम है फैमिली के पास, तो वहाँ पर अगर वो एक बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं तो वो मेल चाइल्ड को एजुकेट करेंगे, लड़की को या तो किसी मदरसे में भेज देंगे या फिर उसको प्यूबर्टी के टाइम पे उठा लिया जाता है. कई हमारे गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में उन्हें उठा लिया जाता है. हालांकि माओं का काफ़ी शौक होता है कि मेरी बेटी पढ़े, बट फादर्स कहते हैं नहीं, अब प्यूबर्टी हो गई है तो अब शादी करनी है. 13-13, 14-14 साल की लड़कियों की 50-60 साल आदमियों से शादी कर दी जाती है, तो ये भी वायलेंस है. कम खाना देना, मसलन ये है कि बेहतरीन खाना जो है वो बेटे के लिए रख लेना कि वो जो बोटियाँ हैं मेरा वो बेटा खाएगा, वो लड़कियों कहना तू बस बचा खुचा खा ले, या जिस तरह माएँ खुद भी करती हैं, सबसे बाद में खाती हैं तो बचा खुचा खा लेती हैं, बेस्ट जो है वो सन्स के लिए, फादर्स के लिए रख देती हैं. तो बहुत से घरों में ये होता है, ये हमारे मिडिल क्लास घरों में भी होता था, लेकिन अब कुछ कम हो गया कदरे कुछ सालों से, लेकिन ये बहुत होता था कि जो बेहतरीन खाना है और जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो लड़के के लिए संभाल के रखें. फिर रिक्रिएशन में छोटा सा लड़का होता है अगर वो 8-10 साल का, तो उसको ये होता है जाओ बाहर जाके खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो मैदान में, चाहे सड़क पर ही बार वो गुल्ली डंडा खेले कुछ, तो उसको यानी इंजॉय करने की, रिक्रिएशन की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है. और लड़की 8-10 साल की भी होती है तो माँ के साथ किचन में लगी होती है, चलो भाई अब तुम बर्तन धो, अब तुम ये साफ करो वो साफ, वो खिदमत कर रही होती है बहुत यंग एज से. उसको बाहर जाके खेलने के जो मौके हैं वो कदरे कम मुयसर होते हैं. अब ये चीज़ें आस्ता आस्ता बदल तो रही हैं, लेकिन बहुत आस्ता हम सब ने अपने बचपन में बहुत देखी हुई हैं कि लड़कियाँ अंदर काम कर रही, माँ का हाथ बटा रही हैं और लड़के बाहर खेल रहे हैं, और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है, सैर सपाटा करने दिया जाता है तो लड़कों को. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसको हम इम्तियाजी सुलूक कहते हैं, ये हमारे इतना रचा बसा हुआ है सिस्टम्स में, चाहे वो फैमिली सिस्टम्स हों, एजुकेशनल, दूसरे लीगल, अभी हम मुख्तलिफ देखेंगे इसके पहलू कि किस किस हमारे निज़ाम में, ढांचे में ये चीज़ें रची बसी हुई हैं. ये गाल्टन कहता है कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, कि ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बिल्ट इन है, कि हमारे फैमिली सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में ये रची बसी हुई है, निज़ाम का हिस्सा है. सो स्ट्रक्चरल वायलेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन against and an exclusion of a group of people from enjoying their rights granted as citizens. This may include diminished access to health, education, economic benefits and lesser legal or political equality. Abhi iske hum zyada detail jayenge ki ye systems kaise kaise discriminate karte hain, lekin bunyadi taur pe ye hai ki ye jo discrimination hai, masalan kam taleem dena ya health ki facilities kam dena, ye
फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोकता है, वो उसकी राह में आता है. फंडामेंटल राइट्स में जो आपकी लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, बुनियादी जो हकूक हैं, वो आप उस तरह नहीं एंजॉय कर सकते जैसे कि आपको हक है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन घरों से ही शुरू हो जाती है, फ्रॉम द होम देन टू द कम्युनिटी और फिर ऑल द वे टू द स्टेट. तो अब जो सोर्सेज ऑफ वायलेंस हैं, बहुत से ज़राए हैं जहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ पे वायलेंस एम्बेडेड है डीपली सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स के अंदर. स्टेट के लीगल स्ट्रक्चर में है, यानी जो हमारा कानूनी निज़ाम और अदालती निज़ाम है. फिर हमारे वो जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हैं, यानी हमारी सोसाइटी में जो हमारे वो मुआशी निज़ाम है, मुआशी निज़ाम और हमारा वो जो इक्तसादी निज़ाम है उसके अंदर भी ये तशद्दुद जो है ये रचा बसा हुआ है. और सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस नॉर्म्स, ये घर से शुरू होती हैं, कम्युनिटीज़ तक जाती हैं. हम सब ने सुने होंगे नाम बनी, स्वारा, वल्वर, कारोकारी, स्याहकारी वगैरह, इनका अक्सर आता रहता है ये कम्युनिटी तक. और स्टेट के अंदर जाहिर है लीगल स्ट्रक्चर में अगर एम्बेडेड है तो आपके स्टेट में एम्बेडेड हैं. और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में भी ये नज़र आती हैं कि सियासी तौर पर ख़वातीन के मसलन हमारी असम्बली जो नेशनल असम्बली है उसमें 342 में से सिर्फ 60 सीटें जो हैं वो औरतों के लिए रिजर्व हैं. और औरतों को पॉलिटिकल पार्टीज़ टिकट्स नहीं देती लड़ने के, या उन सीटों के लिए टिकट्स दे देती हैं जिन पे उन्हें पता होता है कि हमने हारना है, तो जीतना नहीं तो वो दे देती हैं. या वोट नहीं करने दिया जाता, कई हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ वोट नहीं करने दिया जाता. इसलिए इस साल हम लोगों ने एक शर्त रखवाई थी कि अगर 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स से कम औरतें वोट करती हैं तो वहाँ का जो इलेक्शन है कलअदम करार दे दिया जाएगा. और वो हुआ भी है एक दो जगह कि 5% से कम औरतों ने वोट किया तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुआ. और इसी तरह आगे चल के इसकी ज़्यादा मैं डिटेल दूंगी हमारी असेंबलियों में क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि समझा ये जाता है कि जब तक आप और ज़्यादा औरतें असेंबलीज में नहीं आएंगी, लॉ मेकिंग असेंबलीज में, नेशनल असेंबली और फिर हमारी जो सूबाई असेंबलियाँ हैं, तब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे जो उनके फ़ायदे में हों या उनकी बेहतरी के लिए, और इम्प्लीमेंट नहीं होंगे. इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा हमारे मुल्क में इशू है. सो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी है, इनइक्वालिटी भी है, और ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगियों में तशद्दुद दाखिल होता है. अच्छा, अब सबसे पहले हम लीगल, आप लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं लीगल स्ट्रक्चर से, आप में से जो लॉयर्स हैं आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है. लेकिन यहाँ पर मैं एक बुनियादी जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आमतौर पर समझा जाता है कि लॉ और जस्टिस का ना डायरेक्ट ताल्लुक है, और लॉ जो है वो जस्टिस हासिल करने का जरिया है. लॉ के जरिए द एंड इज़ जस्टिस, लॉ इज़ द मीन्स थ्रू विच यू गेट टू द एंड ऑफ जस्टिस, और उनका दोनों का बराह रास्त ताल्लुक है ये. लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि लॉ के थ्रू जस्टिस मिले, इंसाफ मिले. कई दफ़ा लॉ बाकायदा खुद डिस्क्रिमिनेटरी होता है, खुद ही इम्तियाजी उसमें सलूक होता है. तो लॉ डज नॉट नेसेसरली लीड टू जस्टिस, क्योंकि लॉ न्यूट्रल नहीं होता, गैर जानबदार नहीं होता. अगर सरमायादार लॉ बनाएंगे तो वो मजदूरों के हक में नहीं जाएगा, अगर जागीरदार लॉज बनाएंगे तो वो किसान के या खेत मजदूर के हक में नहीं जाएगा. इसी तरह ज़्यादातर असम्बलियों में क्योंकि मरकज रात है, वो जब लॉ बनाते हैं तो उनके जहन में सामने ख्वातीन के का स्टेटस या उनका ये लॉ उन्हें कैसे अफेक्ट करें नहीं होता. इसलिए हम लोग कहते हैं कि लॉज आर मोस्टली पेट्रियार्कल एंड क्लास बेस्ड, बहुत क्लास बेस्ड होते हैं. सोशल क्लासेस खुद को प्रोटेक्ट करती हैं अपने फ़ायदे के लॉज बना के, और मर्द अपने फ़ायदे के लॉज बना के अपने. सो लॉज आर नॉट न्यूट्रल, और लॉ और जस्टिस में ज़रूरी नहीं कि एक डायरेक्ट और अच्छा मुस्बत रिश्ता हो, नेगेटिव रिश्ता भी होता है. और हमारे यहाँ हमारी जो हमारा जो आईन है उसमें कुछ तजादात हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बहुत लोगों ने उस पर काम नहीं किया बट कुछ लॉयर्स वगैरह ने किया है, कुछ हमने किया है. कि एक तरफ तो हमारे आईन का जो है आर्टिकल 25(2) ऑफ द फंडामेंटल राइट सेक्शन,
उसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, पहले था सेक्स अलोन, अब 18th अमेंडमेंट के बाद हो गया जेंडर अलोन, यानी महज जेंडर की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा. ये आर्टिकल 25(2) है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. सो इसमें आपने इक्वालिटी दे दी कि भाई हर, और उस आर्टिकल 25 वैसे भी कहता है एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ से आती है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 8वीं तरमीम जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुई, जिसके तहत जो उस दौर के किए बनाए गए सारे इम्तियाजी कानून थे या मेजर्स थे या एक्शन थे, वो प्रोटेक्ट किए गए कि कोई भी ऐसा मेजर या लॉ या कोई ऐसा स्टेप जो ज़ियाउल हक ने बनाया है डिक्टेटर ने, वो चेंज नहीं होगा जब तक कि 8वीं तरमीम ना बन ले. और बदकिस्मती हमारी ये है कि जब 18वीं तरमीम पास हुई 2010 में, तो ये नहीं बदली गई, 8वीं तरमीम को नहीं ख़त्म किया गया. हम सब की बड़ी डिमांड थी, हमने कोशिश की, रज़ा रबानी कमेटी से हमने जाके बात की, और लेकिन वो 8वीं तरमीम अभी भी है. अब 8वीं तरमीम में जो लॉज प्रोटेक्टेड हैं उनमें एक तो 1979 का मसलन हदूद ऑर्डिनेंस है, हदूद ऑर्डिनेंसेस, उन 5 ऑर्डिनेंसेस में से एक जो है जिना ऑर्डिनेंस, वो बहुत यूज़ हुआ है ख़वातीन के खिलाफ. उसमें ये है कि अगर एक औरत जाके रेप को रिपोर्ट करती है कि रेप हुआ है, तो वो कहते हैं जी 4 मर्द मुसलमान जो अच्छे किरदार के हों, उन्होंने वो अगर शहादत दें, कानून शहादत जो मरा है, जब तक वो टेस्टिफाई ना करें रेप प्रूव नहीं होता. अब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी अजीब सी है, क्योंकि अगर 4 मर्द मुसलमान जो अच्छे किरदार के हैं वो खड़े देख रहे हैं रेप और रोक नहीं रहे, तो इसका मतलब है अकम्प्लिसेस हैं, साथ मिले हुए हैं, वरना कौन खड़े होकर देखेगा और कहेगा हाँ मैंने देखा और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने रेप होते. सो औरत के लिए रेप को प्रूव करना, साबित करना मुकम्मल तौर पर, कतई तौर पर नामुमकिन हो गया. लेकिन उसके उलट ये हुआ कि जिस वक्त वो जाके रेप रिपोर्ट करती थी, क्योंकि वो खुद कह रही है अपने मुँह से कि रेप हुआ है, तो उसको जिना के इल्ज़ाम में धर लिया जाता. So the distinction between rape and adultery was eliminated. कि जी इसने adultery की है क्योंकि ये तो खुद कह रही है कि sexual act हुआ है, हालांकि वो कह रही है ज़बरदस्ती हुआ है, लेकिन क्योंकि 4 मर्द मुसलमान जो अच्छे किरदार के हैं वो नहीं ला सकी, तो इसलिए. सो ये कानून शहादत बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी था, हम लोग कई सालों से इसके खिलाफ जद्दोजहद करते रहे. और अभी तक फिर ये 2006 में इसमें छोटी मोटी तरमीम की थी कि जो रेप की इन्वेस्टिगेशन है वो हद से निकाल के तज़हीर में आ जाए, पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक हो, और वो DNA टेस्ट भी, और इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स वही हो जाएं जो सारी दुनिया में रेप के होते हैं. लेकिन 2006 की उसको 2010 में दिसंबर में फेडरल शरीयत कोर्ट ने, और वो भी ज़ियाउल हक के दौर की देन थी, फेडरल शरीयत कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि जो विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, उस वो कन्फ्लिक्ट करता है विद कुरान एंड सुन्नत, क्योंकि एक तो हमने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी 1962 में बना ली, कि जिसका काम ये है कि हर लॉ को देखे कि जब तक ये कुरान और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखेगा इसको हम नहीं मानेंगे. सो वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2-3 सेक्शंस उसके उड़ा दिए. और उसके बाद फिर विमेन एक्शन फोरम, जिसकी कि मैं मेंबर हूँ, हमने मुकदमा किया, केस किया उसके खिलाफ, लेकिन आज तक ये है कि वो फैसला नहीं आया था. लेकिन 2016 में हुकूमत वक्त ने एक लॉ पास किया रेप पे, जो हमारी नज़र में कदरे प्रोग्रेसिव, मच बेटर प्रोग्रेसिव था, जिसने कि फिर कोशिश की कि ये जो रेप के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हद पनिशमेंट में से निकाल के, क्योंकि पनिशमेंट जो थी वो स्टोनिंग टू डेथ थी, कि अगर आपने जिना किया है तो यू विल बी स्टोन टू डेथ, तो वो हद से निकाल के तज़हीर में, सो दैट रेप कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इन वेज विच आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मसलन DNA टेस्ट वगैरह, क्योंकि CII ने कहा था, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने, कि ये जी आप DNA टेस्ट भी जो है ये अन इस्लामिक है, और सो जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं ये जना बिल जबर को या रेप को स्टडी करने के, इन्वेस्टिगेट करने के, वो निकाल दिए गए थे. लेकिन 2016 के लॉ में
फिर कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव लॉ है रेप के ऊपर, इट्स एन इम्प्रूवमेंट. सो ये 2016 में हुआ. सो ये है कि आइन के अंदर ही तजादात हैं. एक क्लॉज कुछ कहता है, दूसरा आठवीं तरमीम ने आपके हकूक अनइवन कर दिए जाते हैं, हालांकि आपका आर्टिकल 25 कहता है कि इक्वालिटी होगी, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स अलोन. और ये है कि 2013 से लेकर तीन हमारे सूबों ने तो लेजिस्लेशन, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि ख्वातीन के इश्यूज प्रोविंशियल हो गए, सूबाई हो गए. उसके बाद तीन प्रोविंसेस सिंध, बलूचिस्तान और फिर पंजाब, इन्होंने तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स पास किए हैं और सरप्राइजिंगली वो इतने बुरे नहीं हैं. उनमें वायलेंस की बड़ी वाइड डेफिनेशन है, यानी ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज या मारपीट. उसमें जैसे आज सुबह मिदा उस्मान ने भी बताया और मैंने भी बात की कि हर तरह की वायलेंस, सेक्सुअल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, वो इंक्लूडेड है, कलेक्टिव हो या इंडिविजुअल करे. वो खासे कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव लॉज हैं. और सिंध का वो जो है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, कि भाई 18 साल की बच्ची से कम की उम्र, 18 साल की उम्र से कम बच्ची को ज़बरदस्ती को शादी वादी नहीं कराई जा सकती, उसकी इजाज़त होगी. और वो कम अज़ कम 18 सूबों ने पास किए हैं, तीन सूबों ने. बदकिस्मती से जो खैबर पख्तूनख्वा का लॉ था डोमेस्टिक वायलेंस, जो कोशिश की गई कि उन्हीं खतूत पर इस्तेमाल किया जाए जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में इस्तेमाल हुए, लेकिन वो पास नहीं हो सका था. और उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि औरत को ये प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन तो होगी, लेकिन अगर कोई खावंद या माँ बाप उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए, सुधारने के लिए कोई मेजर यूज करते हैं स्टेप, तो वो इसमें नहीं आएगा. यानी जो एक हाथ से दिया वो दूसरे हाथ से वापस ले लिया. कि अब जाहिर है हाउ विल इट बी डिफाइंड कि ये क्या इसको करेक्शन की ज़रूरत थी, और जो करेक्ट करने वाले हैं क्या वो खुद करेक्ट थे या नहीं थे. सो एक किस्म की माँ बाप को और खावंद को इजाज़त दे दी गई कि इसको सुधारने के लिए यू कैन बेटर अप और यू कैन वट. तो वो केपी का वो लॉ अड़ गया, क्योंकि उसके ऊपर फिर जब वहाँ की जो हुकूमत थी सूबाई, उनसे जब पूछा गया कि जी सब जगह पास हो गया, ये नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं कहेगी कि ये कुरान और सुन्नत से मुताबकत रखता है, तब तक हम नहीं पास करेंगे. तो उन्होंने मुल्लाओं के हाथ में दे दिया डोमेस्टिक वायलेंस लॉ. और ये हमारा हम मिसफॉर्चून ने अभी तक कोशिश है कि चारों सूबों में ना सिर्फ ये लॉज हों बल्कि इनका इतलाक हो. अब सबको पता है कि लॉ बनते तो हैं, उनका इतलाक नहीं होता, लेकिन कुछ बाकी प्रोविंसेस में पॉजिटिव लेजिस्लेशन आई है. अब हम चलते हैं इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ, क्योंकि हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ये हमारे उसमें एम्बेडेड है, हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सारे स्ट्रक्चर्स में. एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है वो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. यानी कि हम आमतौर पे जो स्टैटिस्टिक्स कोट किया करते थे वो ज़रा से पुराने हैं, लेकिन आजकल भी उसके करीब होंगे, जो हम यूएन के स्टैटिस्टिक्स कोट करते थे कि वुमेन ओन ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी, दे ओन ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम, एंड इस तरह के, एंड दे वर्क 16 आवर्स अ डे ऑन एवरेज, वेयर एज मेन वर्क अप टू 8 टू 10 आवर्स ऑन एवरेज पर डे. क्योंकि खेतों में जो औरतें काम करती हैं सारा सारा दिन, फिर वो घर का काम भी जाके डबल ट्रिपल बर्डन है ना, कि बाहर का काम करना, फिर घर का में खाना पकाना, बच्चों को देखना, शौहर को देखना, और उसके बाद कम्युनिटी वर्क, ट्रिपल बर्डन है. कम्युनिटी का काम भी वुमन औरतों की जिम्मेदारी समझी जाती है, कहीं बर्थ या डेथ हो गई है वो तो औरतें जाके रसूमात जो हैं वो करती हैं. सो इकोनॉमिकली जो बहुत ज़्यादा औरतों को मतलब उनके हकूक पर एक किस्म का मैं कहती हूँ डाका पड़ा है, वो पड़ा है ये जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा हुआ है हमारी इकोनॉमी में, जिसको हम गैर रस्मी शोभा कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, ये बहुत बढ़ गया है. उसमें कोई राइट्स नहीं होते, मतलब आमतौर पर फॉर्मल सेक्टर में तो होता है ना कि आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, मटर्निटी लीव, मिनिमम वेज,
और ये राइट टू बेसिकली एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें बुनियादी कुछ हम होती हैं इकोनॉमिक राइट्स जो अहम समझी जाती हैं, एक्सीडेंट बट औरतों के लिए मैटरनिटी लीव, लेकिन वैसे भी पेड टाइम ऑफ, लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स कि इतने घंटे से ज़्यादा काम ना हो हमारे यहाँ, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं 90-95% हमारा जो वर्कर है वो इनफॉर्मल हो चुके हैं, बोथ मेन एंड वेमेन, लेकिन 65% ऑफ ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स आर वेमेन, जिनको हम होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं, जो घरों में बैठ के कुछ बनाती हैं और फिर वो मिडिल मैन आके ले जाता है और वो मार्केट्स में जाके, या कई दफ़ा खुद शालमी या ऐसी मार्केट्स लाहौर में जो है वहाँ जाती हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल लाती हैं, कोई जूते बनाए, कोई कपड़े, कोई गारमेंट्स बनाए और फिर वो मिडिल मैन आके ले जाता है, एक्सपोर्ट भी होते हैं। और 35 बिलियन डॉलर्स की जब हमने 2010 में ये तखमीना लगाया था, 35 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो इनफॉर्मली जनरेट होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में कैजुअल, पार्ट टाइम, टेम्प्ररी एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी जुज वक्ती और आर्जी मजदूर होते हैं, कि जिस वक्त चाहा नौकरी से निकाल दिया, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई मटर्निटी लीव नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, और कई दफ़ा मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती। हमें हाल ही में हमारी जो यूनियन की खवातीन हैं और जो वर्किंग वुमेन से ताल्लुक़ रखती हैं वो कह रही थी कि फॉर्मल सेक्टर में भी मिनिमम वेज नहीं दी जा रही, जो कि 15,000 है इस वक्त, तो इनफॉर्मल सेक्टर तो आप छोड़ ही दें, गैर रस्मी शोबा जिसमें घरेलू मुलाज़मीन जैसे घरों में खादमाएँ काम करती हैं और उनके ऊपर तशद्दुद कितना होता है ये तो आपको पता ही है, कि यंग जो बच्चियाँ होती हैं जो घरों में काम कर रही होती हैं लोगों के घरों में, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं, बड़ा कुछ होता है हमारे यहाँ, अब तो अखबारों में आना भी बहुत शुरू हो गया ये चीज़। तो एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई, पाकिस्तान भी उसकी जद में आ गया, उसमें यह कि तमाम जो हकूक दिए गए थे ILO के कन्वेंशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन में या यूनाइटेड नेशंस में या इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में, वो किस्म के सलब हो ख़त्म हो गए हैं और इनफॉर्मलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। अब ILO का मसलन कन्वेंशन है, कन्वेंशन 100 पाकिस्तान ने साइन भी किया हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर आपका वर्क का वैल्यू इक्वल है तो आपको इक्वल पे मिलेगी, लेकिन वेमेन स्टिल अर्न 60% ऑफ व्हाट मेन अर्न, यानी अगर वो वही काम कर रही है, वही जॉब कर रही है जो आदमी भी कर रहा है, तो उसको उसका 60% मिलता है ऑन एवरेज, कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा, सो सेम वर्क का सेम रिमुनरेशन ही मिलती, हालांकि ILO 100 रिक्वायर्स दैट। फिर कन्वेंशन 177 है होम बेस्ड वर्कर्स के लिए, कि जो घर में बैठी हुई हैं ख़वातीन और पुटिंग आउट सिस्टम में काम कर रही हैं, उनके लिए तंजीम बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए, कुछ प्रोविंसेस ने बनाई भी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कन्वेंशन 177 साइन नहीं किया, लेकिन हमने इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी साइन किया हुआ है, और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में अभी भी औरतों को मसलन क्रेडिट नहीं मिलता, उनके नाम लैंड ने उनको ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जाता या अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, और जहाँ पे उनके नाम पे प्रॉपर्टी या लैंड हो भी उसके ऊपर एक्टिव कंट्रोल नहीं होता, यानी वो नहीं फैसला कर सकती अब मैं ये ज़मीन बेच दूँ, खरीद लूँ, क्या करूँ, क्योंकि सारा कंट्रोल या हस्बैंड का या इन लॉज का या वालिदैन का होता है, द मेल्स ऑफ द फैमिली डिसाइड हाउ शी कैन यूज़ हर एसेट, तो उस और क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता, मसलन अगर एक औरत के पास खेत हो तो उसको एक्सेस टू क्रेडिट, बीज खरीदने के लिए, पानी खरीदने के लिए, अभियाना देने के लिए, और ये उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अगर अपने लैंड को काश्त करना चाहे खुद तो उसको, शी डजंट हैव एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इनपुट्स, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ, कि वो क्रेडिट नहीं उसको मिलता, और क्रेडिट हासिल करने के लिए या कहीं माइक्रो क्रेडिट भी लेने के लिए औरतों को ज़रूरत होती है आईडी कार्ड के, तो कई औरतों के आईडी कार्ड ही नहीं होते, यानी बनवाए नहीं जाते, कि वो बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकती, सो जो उनको अगर कुछ मिलता है मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
या किसी और प्रोग्राम में जो खवातीन को, तो वो भी आदमी का हस्बैंड है, किसी और का अकाउंट होता है, उसमें पैसे चले जाते हैं एंड शी हार्डली एवर सीज दैट इनकम. तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कल्चरल और ट्रेडिशन की वजह से, कुछ लीगल लूप होल्स की वजह से, कि दे डू नॉट गेट द इकोनॉमिक राइट्स दैट दे हैव, और उसकी फिर बड़ी कॉस्ट होती है. इंडिया में एक स्टडी हुई थी, बड़ी मशहूर हैं वहाँ पे बीना अग्रवाल के, अ फील्ड ऑफ वंस ओन के नाम से वो किताब छपी थी, जिसमें उनकी ये फाइंडिंग थी कि जब औरत की अपनी खेती होती है और वो अपनी खेती को खुद काश्त करती है, तो यील्ड पर एकड़ बढ़ जाती है, हर एकड़ की यील्ड ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अनदर सर्कमस्टेंसेस. और भी पूरे एशिया में बड़ी इस तरह की स्टडीज हैं कि वुमेन शुड ओन देयर ओन लैंड एंड शुड बी एबल टू कल्टिवेट देयर ओन लैंड एंड एसेट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. वैसे मेरी अगर प्रॉपर्टी है तो मुझे हक होना चाहिए कि मैं उसको बेच दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ या किसी के नाम कर दूँ, दैट आई शुड हैव, बट वो अमूमन वो नहीं होता उनके ऊपर वो कंट्रोल. और सेक्शुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस का भी इशू होता है, लेकिन वो लॉ तो बना हुआ है 2010 का, सेक्शुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस का, लेकिन हमारे यहाँ लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हिस्टोरिकली तारीखी तौर पर बहुत कमज़ोर है. हमारी ब्यूरोक्रेसी में उस तरह का जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं लॉज, वो विल नहीं है, एनर्जी नहीं है, और लीगल लूपहोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर चीज़ में, जैसे कि आपको मालूम है. सो इनफॉर्मलाइजेशन की बात हो गई. सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, इनकी थोड़ा पहले भी बात हुई है, लेकिन सबसे पहले तो ये बात हो चुकी है कि गर्ल चिल्ड्रन को फैमिलीज में सेकेंडरी अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है. बेटी के पैदा होने पर रोना, लड़के के पैदा होने पर खुश होना, फिर उसको तालीम में कम के ये इसको क्या पढ़ा के करना है, ये तो किसी और की खेती हरी करेगी, मीनिंग शी बिलोंग्स टू सम अदर फैमिली, ये उनकी औलाद पैदा करेगी, ये उनका नाम आगे करेगी, हमें क्या फ़ायदा है, सो गेट हर मैरिड ऑफ क्विकली, डोंट गिव हर द बेस्ट एजुकेशन, डोंट गिव हर द बेस्ट हेल्थ, शी एक्चुअली बिलोंग्स टू समवन एल्स. हम घरों में अक्सर कहते हैं ना, लड़की तो दो दिन की मेहमान होती है माँ बाप के घर, और इस तरह की बातें ट्रेडिशनली और कल्चरली, शी डजंट बिलोंग टू अस, किसी और की खेती हरी करेगी, देयरफॉर यू नो इन अ सेंस शी सीन अ लिटिल बिट लाइक एन एनिमी, दुश्मन के ये किसी राइवल फैमिली में जाके उनकी पौध आगे चलाएगी. सो उसके बेसिस भी होता है, इसको कम हेल्थ दो, कम ये, इसका जो प्रॉपर्टी में लीगल शेयर भी है, हाफ ऑफ द ब्रदर शेयर, कई दफ़ा वो भी नहीं दिया जाता, उसको हासिल करने का भी बड़ा मसला है कि नहीं हमारी वेल्थ घर से बाहर चली जाएगी, ये कह के नहीं दिया जाता. लेस स्कूलिंग, लेस हेल्थ की बात हो चुकी, डोमेस्टिक वायलेंस और पेट्रियार्कल वैल्यूज, घर में मारना पीटना, और अगर औरत जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, मसलन घर पैसे ला रही हो, तो कई दफ़ा इंटरेस्टिंगली वायलेंस बढ़ जाता है, कम नहीं होता. हमारी एक असम्पशन होती थी कि जब वुमेन एम्पावर हो जाएंगी और पैसे घर लाएंगे बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी टू द हाउस, तो देयरफॉर उनकी कम हो जाएगी वायलेंस, ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक इनसिक्योरिटी होती है मेल के अंदर कि ये बाहर जा रही है, पता नहीं किस किस के साथ मिल के आई है, इंडिपेंडेंट ना हो जाए, कंट्रोल इश्यूज होते हैं. हमारे घर में वो काम करने जो आती थी, कुक करने आती थी, क्लीनिंग के लिए आती थी, वो ये बताती थी कि उनको और ज़्यादा मार पड़ती थी कि कितने गई से, की कर रही से, किदे नाल से, चाहे वो कमा रही है घर पैसे ला रही है, बट ये शक, तो उससे कई दफ़ा इनफैक्ट वायलेंस बढ़ती है. एंड दिस इज अनफॉर्चुनेटली अ कल्चरल थिंग विद पेट्रियार्कल वैल्यूज एंड इश्यूज ऑफ कंट्रोल जो पेट्रियार्की में बहुत होते हैं. फिर ये जो प्रैक्टिसेस हैं, कारोकारी, स्याहकारी, वलवरवनी और स्वारा, इनका खासा जिक्र आता रहा है, ये कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा होती हैं. सिंध में इसको कारोकारी कहते हैं, बलूचिस्तान में स्याहकारी, केपी में मेरा शायद तोड़ के क्या इसका वर्ड है, कि गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, ये कह के कि मेरी गैरत इसने ख़राब की है, कत्ल कर देते हैं. अच्छा, जो रिसर्च इस पर की है डॉक्टर नफीसा शाह ने, जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं नेशनल असेंबली की, और उनका पीएचडी है ऑनर किलिंग में, उनका थीसिस है ये, कि ऑक्सफर्ड से उन्होंने पीएचडी किया है, ऑनर किलिंग टॉपिक है, उसमें उनकी ये फाइंडिंग थी. और उन्होंने जब वो नाजिम थी वहाँ के खैरपुर की, तो उन्होंने बहुत सारी औरतों के केसेस से भी डील किया खुद एज अ नाजिम. उनकी फाइंडिंग ये थी
कि ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर नॉट अबाउट ऑनर, ऑनर नहीं है इशू, कोई और इशू होता है उसको ऑनर का कह के कवर अप किया जाता है। मसलन आपने किसी का कर्जा देना है तो आपके आप दे नहीं पा रहे, उसी आदमी के साथ अपने ही घर की अपनी फैमिली की किसी औरत को अक्यूज किया और मार दिया, चलो जी आपका कर्जा खत्म। इसी तरह अगर कोई एक सिंगल औरत है, सिंगल आंट है, कोई खाला या फूफी है या जैसे जिसके बच्चे नहीं है, तो उसको अक्यूज किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम जो आपने हथियानी है, तो अक्यूज कर दिया कि ये तो कारी है, इसने कारोकारी की है, तो हमारे औरत खराब की है, उसको कम्युनिटी ने मिलके तो वो खास तरीके होते हैं कुल्हाड़ी से इससे मार के कत्ल करके कहना कि गैरत का कत्ल था, क्योंकि उसमें एक होप होती है कि हम बच जाएंगे मर्डर से। है तो इलीगल लेकिन कम्युनिटी की एक सपोर्ट होती है उसमें। और अमूमन मोस्ट केसेस में आदमी भाग जाते थे जिनके साथ अक्यूज किया होता था, क्योंकि दोनों को मारना होता है तो वो भाग जाते थे, सिंध में विलेजेस वगैरह में भाग जाते थे। तो जो उफ्तार गिरती थी वो सिर्फ औरतों पे, वुमेन मारी जाती थी क्योंकि वो घर से भाग नहीं सकती थी, उन पर कंट्रोल ज़्यादा थे। मैन वुड एस्केप क्योंकि कारो और कारी दोनों को मारना होता है ना, और इसी रस्म का बलोचिस्तान में इसको स्याहकारी कहते हैं, फ्रंटियर में तोड़, पंजाब में इसका नाम रह रहे वो ये गैरत का कत्ल। और इसमें गैरत इशू नहीं होती, इंटरेस्टिंगली जो रिसर्चर्स ने शो किया है, इशू इज इकोनॉमिक, इशू इज मनी एंड ऑल दैट, लेकिन इट्स कवर्ड अप ताकि ऐसे लगे कि जस्टिफाइड कत्ल है, रैशनल लीगल कत्ल है। और फिर ये वल्वर जो है ये ब्राइड प्राइस है, इट्स लाइक सेलिंग वेमेन, ट्रैफिकिंग एंड सेल ऑफ वेमेन, ये केपी में ज़्यादा प्रेवलेंट है कि जी ब्राइड प्राइस जो आदमी होता है वो अपनी 13-14 साल की बेटी के लिए ब्राइड प्राइस लेता है, एक किस्म का बेचता है कि इतने पैसे दोगे तो फिर तुम्हें बेटी दे दूंगा। और एक ज़माने में ख्वातीन को बाकायदा तोलते थे, वो तराजू के अंदर बड़े बड़े वो होते थे उसमें बिठा के कि उसके वजन के हिसाब से वो उसको होता था कि उसकी प्राइस लगेगी। ये बहुत पुरानी थी, मुझे नहीं पता कि आज भी प्रेवलेंट है कि नहीं, लेकिन ये वल्वर की प्राइस के भाई और कितनी यंग लड़की है उसकी ज़्यादा प्राइस लगेगी, वर्जिन है तो जाहिर है ज़्यादा प्राइस लगती थी इसमें। तो ये वल्वर की रस्म ये भी इलीगल है लेकिन ये एक सर्टन पार्ट्स ऑफ केपी में प्रेवलेंट है। पंजाब में जिसको बनी कहते हैं वहाँ पर उसको सवारा कहते हैं कि दो कबाइल में आपस में झगड़ा है, दो क्लैंस या ट्राइब्स या कबाइल में झगड़ा है और बहुत से लड़के अगर एक कबीले के मारे गए हैं तो एक किसी लड़की को उसके वो दे दिया जाता है एज वनी, एक नहीं बल्कि कई दफ़ा 5-6 लड़कियों को इकट्ठे वनी कर दिया जाता है या स्वारा में दे दिया एज अ पीस ऑफरिंग कि तुम हमारी इतनी लड़कियाँ ले लो, लड़कों को छोड़ दो, हमारे और यंग बॉयज़ ना किल करो। यूजली लूजिंग ट्राइब ऑफर करती है कि हमारी इतनी गर्ल्स ले लो टू द विनिंग ट्राइब, और इसके बदले अब वो दूसरे कबीले में जब जाती है उसके साथ कोई भी सलूक हो सकता है, शी मे बी बीटन, शी मे बी यूज्ड एज अ स्लेव, गुलाम बना सकते हैं, मिसयूज कर, और अगर लेट्स से डिसेंट लोग हों तो अच्छा भी ट्रीट करते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में उसकी लाइफ स्लेवरी वाली हो जाती है। और ये रस्म हमारे इवन जो मिनिस्टर थे मीर हजार खान बजरानी, जो पीपल्स पार्टी के दौर में मिनिस्टर थे एजुकेशन के, उन्होंने 5-6 बच्चियों का एजेड बिटवीन 2 and 6 ईयर्स वनी ये किया था, वनी का केस किया था। और सिंध में कई जगह पे अनफॉर्चुनेटली ये जो कारोबारी की ये डिसीशंस होती हैं जिरगा पंचायत के थ्रू, उसमें एमएनएज और मिनिस्टर्स तक बैठते रहे, मीनिंग के इलीगल प्रैक्टिस है। और उसमें क्योंकि ये जिरगा पंचायत वगैरह इलीगल करार दे दिए, 2004 की जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की कि ये इलीगल है, क्योंकि ये पैरेलल सिस्टम है, आपका मेन जुडिशियल सिस्टम है, दिस इज अ पैरेलल थिंग, उसमें कोई देयर इज नो रिकग्निशन ऑफ जिरगास पंचायत एंड ऑल। और ऐसी पनिशमेंट्स जो हैं बड़ी नेगेटिव, ये जिरगे पंचायत और ये अकठ वगैरह में होती है, जैसे मुख्तार माई के केस में हुआ, और भी बड़े केसेस हैं जहाँ अगर एक लड़की कर किसी लड़के के साथ समझा गया कि कोई ताल्लुकात हैं गलत किस्म के, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा सजा के तौर पे अब ये जो इस जिस कबीले को हर्ट किया गया है वो उनका कोई आदमी इस लड़के की माँ को रेप करेगा,
ये इंडोधरा में मुझे याद है एक जो वाकया हुआ था कि उसकी माँ को या उसकी बहन को मुख्तार माई के पनिशमेंट किस चीज़ की मिली थी, अपने भाई के एलिजिटली अपने भाई के फेल के ना, भाई भी वैसे तो इनोसेंट था लेकिन उसके भाई के खुद तो उसका कोई था नहीं कसूर। तो इस तरह के जिरगे पंचायत में इस तरह की प्रैक्टिसेस के ज़्यादातर जो जजमेंट्स हैं 90% एक स्टडी में आया था और अगेंस्ट वमेन जिरगा पंचायत कट वगैरह एंड दे आर इलीगल। और जनरली जो कल्चर में सोचा जाता है औरत सबॉर्डिनेट है, लेसर है, इन्फीरियर है, कमतर है आदमी के मुकाबले में, इसकी अकल मोटी होती है, अकल कम होती है। हालांकि अब इंटेलिजेंस जो टेस्ट वगैरह जो मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कब का साबित कर दिया कि ऑन एवरेज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑन एवरेज इट्स द सेम। लेकिन ये कि औरतों की अकल कम होती है, मोटी होती है, औरतें ऐसी होती हैं वैसी, उनको हर हर तरह से कमतर समझना कि आदमी चाहे 10 घंटे बैठ के चाय खाने पे गप्पे मार रहे हों वो बातें नहीं करते, ये बहुत बातें करती है, शी टॉक्स अ लॉट, शी इज टॉकेटिव, यानी ये होता है चाहे वो 10 घंटे से गप्पे मार रहे हों ऑफिस में भी हो जाता, लेकिन ये प्रेजिडिस बहुत ज़्यादा हैं जो उनके खिलाफ एक्ट करती हैं। मैंने ऑलरेडी बात कर दी है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं उनमें मसलन नेशनल असम्बली में 342 में से 40 औरतों की 40 रिजर्व सीट्स हैं, 40 कह रही हूँ 60 रिजर्व सीट्स हैं। फिर जो हैं डायरेक्ट सीट्स डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए वो ऐसी जगहों के टिकट दे दिए जाते हैं जहाँ उन्हें पता था इस हलके में तो हमने हारना है, और पहले तो देते नहीं थे टिकट, पर हमने डिमांड किया कम अज़ कम हर पोलिटिकल पार्टी 10% टिकट्स औरतों को डायरेक्ट इलेक्शन में लड़ने के दे, तो उन्होंने ऐसी जगह के देने शुरू कर दिए जहाँ उन्हें पता था दूसरे ने जीतना है। और फिर हमने ये कहा जहाँ 5% रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वुमेन उनका अगर 5% भी नहीं वोट करता तो दैट इलेक्शन विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। उसमें 2 इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं, 2 जगह पे नल एंड वॉइड, उसके बाद बाय इलेक्शन में फिर वो औरतों की तादाद 20-27% तक आई है वोटर्स की। ये पोलिटिकल इशूज़ हैं। हमारे नेशनल और सूबाई असम्बली में 17.5 है, 17.5% कम अज़ कम खवातीन का रिजर्व सीट्स का है, और लोकल गवर्नमेंट जो था ऑर्डिनेंस 2001 का उसमें तो 33% थी औरतों की रिप्रेजेंटेशन, 33% रिजर्व सीट्स थी, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया था। और अब जो लोकल गवर्नमेंट्स प्रोविंसेस के अंडर बनी है उनमें कोई किसी किस्म का कोई नया निज़ाम नहीं आया, तो ये उसमें 33% था। हमारा डिमांड, हम जो वुमेन एक्शन फोरम वाले हैं, हमारा है कि अल्टीमेटली इट शुड बी 50%, आधा आधा होना चाहिए कि आधी औरतें असम्बलियों में खवातीन हों, आधे चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बली है या फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स की असम्बलीज होंगी, अगर हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल पड़े तो हमारी जो ज़िलेई असम्बलियाँ होंगी उनमें भी कम अज़ कम 50% होना चाहिए। और इलेक्टेड पोस्ट के लिए औरतों को नहीं नॉमिनेट किया जाता, मतलब इतनी अच्छी औरतें मौजूद होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जिनको वो सदर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए या ऐसे उहदों पे नॉमिनेट कर सकती हैं पार्टीज, लेकिन करती नहीं। बहुत रेयर था, मसलन बेनज़ीर भुट्टो वाज वन एक्सेप्शन, या द ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, फहमीदा मिर्ज़ा ओनली वुमन स्पीकर पाकिस्तान, सिंध असम्बली में डेप्टी स्पीकर शैला रजा थे, और कहीं कहीं मतलब हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बड़े अहदे होते हैं वो सारे मेल्स को जाते हैं। और इस मौजूदा गवर्नमेंट में तकरीबन सारे अहदे जो अहम अहदे समझे जाते हैं वो मेल्स को दिए गए हैं, मिनिस्टर्स और वो जो होती हैं मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स वो भी बहुत कम हैं। टिकट्स नहीं पॉलिटिकल पार्टीज देती। और फिर सेक्सुअल हरासमेंट हमारे उसमें भी बहुत, असेंबलियों में भी बहुत होता है, कई दफ़ा रिमार्क्स पास किए जाते हैं औरतों के बारे में जो बड़े नए, जैसे वहाँ सिंध असेंबली में पटाफी ने कहा था एक वुमन लेजिस्लेटर को कि अच्छा तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, मेरे चेंबर में आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या मतलब है, इट वॉज अ वेरी लूड रिमार्क। फिर वो शीरिन मजारी को कहा गया कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, फिर और इस किस्म के ना बहुत ज़्यादा जो मेल लेजिस्लेटर्स हैं वो वहाँ भी हरासमेंट करते हैं, हालांकि वो लॉ मेकर्स हैं
और लॉ जो है वो इस किस्म की हरासमेंट के खिलाफ है. बहुत से इस तरह के रिमार्क्स वगैरह मौजूद हैं हिस्टोरिकली हमारी असेंबलीज में, जहाँ पे कि उनको डिमीन किया जाता है, डराया जाता है ताकि बोले ना, पार्ट ना ले सकें, खुल के उसमें डिबेट जो होता है असेंबली में लॉ के लिए वो पार्ट ना ले सकें, एंड देयरफॉर प्रो वुमेन लॉज बनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं. और आखिर में थोड़े से मैं मेजर्स जो हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के वो मेजर्स वो आपसे शेयर करूँगी. एक तो वही है सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस का 2010 का लॉ, जो अच्छा बड़ा है, अडॉप्ट भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती क्योंकि प्रॉब्लम सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में कुछ है कि व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, ये है या नहीं है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स है उसमें कुछ है. लेकिन केसेस बहुत हो रहे हैं, मीडिया में भी केसेस हैं, मीडिया के एरिया में हाल ही में हमने अली जफर और उसका केस, मीशा शफी का बहुत केस सुना, फिर और भी बड़े हाई प्रोफाइल के केसेस हैं इंडस्ट्री में, इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल में, और हमारे जो हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का. सो वो लॉ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन. एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस लॉ 2011 में आया था, इसको दौनिया अजीज ने खासा पुश किया था. ये एक तो इसमें था कि इनहेरिटेंस राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो औरतों के नहीं दिए जाते, जो हाफ प्रॉपर्टी ऑफ द मेल है उसके खिलाफ के भी वो ना हो, इंश्योर किया जाए कि औरत का हिस्सा उसको मिले जो उसका विरासती हिस्सा है. तो और दूसरा उसमें ये था कि ये जो अबडक्शन, फोर्स्ड अबडक्शन और फोर्स्ड मैरिज होती है ना, हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और फिर उनको वहाँ शादी कराई किसी मुसलमान से और कह दिया कि ये अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है. रिंगल कुमारी का केस बड़ा मशहूर हुआ था सिंध में कि जबर, और पंजाब में ज़्यादातर ये क्रिश्चियन औरतों के साथ होता है, लेकिन सिंध में हिंदू औरतों के साथ बहुत, कि उन्हें अबडक्ट करके, किडनैप करके ले जाते हैं, फिर कहते हैं अपनी मर्जी से मुसलमान हो गई या उसका निकाह पढ़ा के, एंड इट्स ऑल इलीगल. वो फिर वापस ना अपनी कम्युनिटी के पास जा सकती है, ना अपनी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है. और थ्रेट्स भी दी गई, रिंकल कुमारी केस में थ्रेट्स दी गई कि अगर तुमने ये कहा कि ये ज़बरदस्ती हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं है, तो तुम्हारे पूरे कबीले को कत्ल कर देंगे, 2000 लोगों को तुम्हारी कम्युनिटी से हम कत्ल कर देंगे. सो इट इज़ हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ माइनॉरिटी वेमेन. और उसके खिलाफ ये एंटी वेमेन प्रैक्टिसेस लॉ है कि यू कैन अगेंस्ट फोर्स्ड अबडक्शन, रेप, फोर्स्ड मैरिज एंड इनहेरिटेंस. सो चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट सिंध का मेरा ख्याल है शायद 2013 या 14 में आया है कि एनी गर्ल अंडर 18 विल बी डीम्ड अ चाइल्ड, और उसकी किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती शादी या कुछ विल नॉट बी अलाउड. और प्रोविंशियल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स तीन प्रोविंसेस में, तो मैंने आपको बताया पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में, तो अच्छी एंड दे आर गुड एक्ट्स, गुड इन द सेंस कि उनमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वायलेंस की. केपी में भी तक नहीं हुआ पास क्योंकि अब ये वो है 18th अमेंडमेंट के बाद, आपको पता है इट्स अ प्रोविंशियल इशू. और नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन एंड प्रोविंशियल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ये बन चुके हुए हैं चारों सूबों में, और इनका काम ये है कि औरतों के वही राइट्स को प्रमोट करना, और जहाँ जहाँ औरतों के खिलाफ वायलेंस हो, दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ वुमेन, के वो दे कैन टेक कॉग्निसेंस ऑफ द केस और ऐसी लेजिस्लेशन भी पास करवा सकते हैं जो औरतों के हक में हो या उनके खिलाफ वायलेंस के खिलाफ हो. सो नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन 2000 में तो एक ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था, लेकिन 2012 में देन इट बिकेम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने पास किया था, और तब से हमारे पास है प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन. आज बाद में मेरा ख्याल है कि ये प्रोविंशियल कमीशन से सुहेल वड़ाइज आके बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में कि क्या क्या काम NCSW करता है, क्या क्या लॉज हैं जो वुमेन के लिए पास किए गए. और आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि महज लॉ के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए ये जो तशद्दुद है ये ख़त्म नहीं होता, चाहे घरेलू तशद्दुद हो, कम्युनिटी का, स्टेट का, इसके लिए सोसाइटी में चेंज लाना होता है, चाहे आप मीडिया के ज़रिए लाएँ, आप स्कूल करिकुलम के ज़रिए लाएँ, टीचिंग के ज़रिए लाएँ,
और अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉज के थ्रू, क्योंकि लॉज कई दफ़ा खुद डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, लॉज आर नॉट न्यूट्रल एंड नॉट इम्पार्शियल, और जहाँ पे अच्छे लॉज होते भी हैं उन्हें जो पावरफुल हैं वो सर्कमेंट कर देते हैं, सबवर्ट कर देते हैं लॉज को. सो इसके लिए द स्ट्रगल, जैसे सुबह अनिता उस्मान ने भी कहा कि स्ट्रगल इज मच वाइडर देन जस्ट सिंपली कि आप लॉ बदल दें. बड़े अच्छे लॉज भी हुए हैं पास, 2016 का जो रेप लॉ है ये भी प्रोग्रेसिव लॉ है कंपैरेटिवली, लेकिन जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन द स्टार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट इज कि लोगों में भी अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले भाई ये लॉज हैं, ये हो सकता है, और पुलिस वालों की ट्रेनिंग की जाए, जजेस की ट्रेनिंग की जाए, हर वो शख्स जो मुतल्लिक होता है, लॉयर्स, जजेस, पुलिसमैन, जो पिनल सिस्टम से कनेक्टेड है किसी न किसी तरह, जो डायरेक्टली डील करेंगे इन इशूज से, उन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए. और ये मैं लर्न को रिक्वेस्ट करूँगी कि लर्न वाले लॉयर्स, जजेस, पुलिसमैन, इन सबको ट्रेन करें कि हाउ टू डील विद केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि वो बड़ा इनसेंसिटिव होता है. कि यहाँ तक कह देते हैं पुलिस वाले कि तो तेरे मियाँ ने मारिया है, तो कि ये मियाँ तो मार देने उन्होंने हाँ के तो क्यों आई है इस लिटरली उसका. और उसका दूसरी दफ़ा रेप और वहाँ पे हो जाता है लॉ कोर्ट में. इतनी उसको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि जो हमारे माशरे में, किसी माशरे में औरत बर्दाश्त ना कर सके. मुख्तार माई केस का मैंने एनालिसिस किया था, ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी बातें की जाए, सलवार पहनी हुई थी या नहीं, किसने उतारी, किस वक्त उतारी, कहाँ से पेनिट्रेशन हुई, यानी इट वॉज सो एम्बैरसिंग, नो वुमन कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस. सो सेंसिटाइजेशन नीड्स टू बी डन फॉर पुलिसमैन, स्टार्टिंग विद पुलिसमैन जहाँ पे थाने में वो दर्ज होगा मुकदमा, ऑल द वे टू लॉयर्स, के लॉयर्स भी जिस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड जजेस. एंड दिस इज़ ग्लोबल, ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है कि पुलिसमैन पहले ही कह देते हैं कि कोई गल नहीं, घरेलू झगड़ा होया, कोई मियाँ ने मारे है तो कोई गल नहीं, तेरा मियाँ ही है ना, प्यार की मार होती है, प्यार नाल मारते हैं. आई मीन इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी. सो बेसिकली आई थिंक लर्न जैसी ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ट्रेन वुमेन टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज कि ये क्या इशू है, एंड डील विद इट इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट देन जस्ट प्योर legality. So thank you. Thank you very much. I would like to thank Dr. Rubina Saigol, and hum audience se kuch quick comments le lete hain, agar kisi ne kuch add karna hai या कोई चीज़ मिस हो गई है.